तो आज मुझे आपको वेरिएबल प्रोडक्ट एक उसमें ऐड करके दिखाना है। तो ओपन कर लेते हैं यहाँ से फ्लिपकार्ट और यहाँ पर हम अपना आईफोन की कैटेगरी ओपन करेंगे अगेन, क्योंकि इसमें हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो सर्वर ऑन, तो सी ड्राइव और जैम्प, जैम्प के अंदर स्टार्ट एच डी डॉक्स और यहां से यहां पर मेरे पास ऑलरेडी एक ई-कॉमर्स का है, दूसरे बैच का, मैं इसी के अंदर आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। नया इंस्टॉलेशन में नहीं करें, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अब आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है कि किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से हमें वो कॉमर्स का प्लगइन ऐड ऑन करना होता है। राइट, तो यहाँ से ओपन करेंगे, नोटपैड यहाँ ढूंढते हैं, अगर हमें वर्डप्रेस का मिल जाता है, नहीं है तो डेस्कटॉप पर स्विच करके वर्डप्रेस के नाम से ढूंढिएगा, मिल जाएगा। यहाँ पर ई कॉमर्स के नाम से अपना फोल्डर अवेलेबल है, तो यहाँ से आप सर्वर ऑन कर लीजिए, स्टार्ट और लॉन्च करेंगे अपना लोकल होस्ट और यहाँ लिखिएगा ई कॉमर्स। चलिए, तो यहाँ पर ये यह हमारा ओपन हो गया है, यहाँ पर लोग लिखेंगे डब्ल्यू पी लॉग इन एडमिन और इसके अंदर हम लोग लॉग इन कर लेंगे यहाँ से। ऑलरेडी वी आर लॉग इन, सो प्रोडक्ट्स में आएंगे, ऑल प्रोडक्ट्स, आईफोन जैसी कैटेगरी ऑलरेडी डाली हुई है, तो हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट डालेंगे। यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं इसके अंदर, के अंदर आते हैं और यहाँ से देखते हैं क्या क्या वेरिएंट्स हमें इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो जैसे 128 टू 256 इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट इसमें अवेलेबल है। यहाँ पर तो चलिए इसको ट्राई करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि इसकी एक एचडी इमेज जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था किस तरह से निकालना है, तो राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, राइट
क्लिक से नहीं निकलता है, तो इन्होंने एक्चुअली राइट क्लिक डिसेबल कर दिया अपने इसके ऊपर। तो आप यहाँ से इसको क्या करें, इस तरह से इसको ट्रेस कर लें तो आपको फोटोग्राफ मिल जाएगा यहाँ पर। और जब लोग इसको माउस लेके जाते हैं तो इसका एक लार्ज प्रीव्यू ओपन होता है इस तरह से। तो यहाँ से इस इमेज को आपने ओपन कर लेना है और यहाँ जाके आपने लिख देना है 1664 1664। तो हमें इसका एक लार्ज प्रीव्यू इस तरह से रिसीव हो जाएगा। चलिए ये इमेज, तो सबसे पहले तो हमें इसका ना एक सामने से इमेज निकालना है जो कि ये है यहाँ पर। तो यहाँ ये और ये इमेज ओपन करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कलर के सभी निकाल लो, जैसे एक ये हमारा सेकंड कलर हो गया। यहाँ से इसको इंस्पेक्ट कर लेंगे। सेकेंड कलर आ गया ये इस तरह से। थर्ड इज नेचुरल टाइटेनियम, इसको भी क्लिक करिए, निकालिए इसको। तो इस तरह से हमारे पास सभी इमेजेस इसकी जो हैं अवेलेबल हैं। तो इन इमेजेस के यूआरएल आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ से इसको रख देते हैं दूसरे स्क्रीन के ऊपर। अभी अपन चलेंगे यहाँ से ऐड न्यू के अंदर यहाँ से आप जाके अपनी कैटेगरी का नाम डाल दें, प्रोडक्ट का नेम डिफाइन करेंगे एप्पल कैप्सुल ऑफ आईफोन 15 प्रो इस तरह से डिफाइन। इसके बाद आपको नीचे आना है। तो ये एक सिंपल प्रोडक्ट है या फिर इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, तो जैसे वेरिएबल प्रोडक्ट अगर आप चूज़ करोगे तो यहाँ से हम लोग इसके एट्रीब्यूट और वेरिएशंस बना सकते हैं, और सिंपल अगर चूज़ करेंगे तो भी हम लोग यहाँ से इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह बना के वेरिएशंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल प्रोडक्ट के अंदर ही दिखाता हूँ आपको कि सबसे पहले हमें यहाँ से जाना है एट्रीब्यूट्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे ये लिखा आएगा साइज एंड कलर, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर जाके आप जैसे ब्लैक टाइटेनियम कलर्स हम लोग शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आप एक डिफाइन कर लें कलर, और यहाँ पर जाके आप कलर के नेम डिफाइन करें। तो कलर का नेम है जैसे कि ब्लैक टाइटेनियम, यहाँ पर कॉल करिए
इसके बाद हमारा दूसरा कलर है इसके अंदर ब्लू टाइटेनियम, फिर हमारे पास है इसके अंदर नेचुरल टाइटेनियम, और फिर है हमारे पास इसके अंदर वाइट टाइटेनियम। इस तरह से हमने इसको बनाया विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज, दिखाना है या नहीं तो हमने यहाँ से बोला जी दिखाना है, तो हमने यहाँ से इसको सेव एट्रीब्यूट कर देना है। इसके बाद मुझे एक नया एट्रीब्यूट बनाना है इसके अंदर जो कि रहेगा स्टोरेज, तो हमने यहाँ से इसको नेम दिया स्टोरेज, और यहाँ पर जाकर हम लोग इसके अंदर स्टोरेज डिफाइन कर देंगे, जैसे कि 128 GB, 256 GB, 512 GB एंड 1 TB। सो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज अपने डिफाइन की। तो हमारे पास इस आईफोन 15 प्रो के अंदर ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेव एट्रीब्यूट कर लीजिएगा। यहाँ से मान लो हम लोग वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, तो एट्रीब्यूट ये है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है वेरिएशन, और जो हमारा 128 GB का है उसका प्राइस है 8 आ जाएगा डिवाइस का। और 1 TB वाले का भी चेक कर लेते हैं क्या उसमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या। इसका भी 187 है, मतलब सेम ही है। तो यहाँ पर वेट 187, इसको हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा जैसे हमने साउथ एक्स वाले में चेंज किया था। डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो विड्थ है 70.6, हाइट है 146.6 एंड डेप्थ है इसकी 8.25। एक बार ना चेक कर लेना, शायद डबल कोट लगाना पड़ता है हमें, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ब्लू टाइटेनियम, नेचुरल टाइटेनियम एंड वाइट टाइटेनियम। इस तरह से स्टोरेज में ट्राई करिएगा। ये वाला पार्ट बना पूरा हुआ। अब जरा वेरिएबल प्रोडक्ट में जंप करो, वेरिएशन में इसको जरा एक बार यहां से आई
iPhone 15 और यहाँ से सेट प्रोडक्ट इमेज अपलोड और URL को करेंगे कॉपी, यहाँ पर सेलेक्ट फाइल, से अगर आपके पास गैलरी इमेज यहाँ पर अगर आपने डाली तो आप यहाँ से डाल सकते हैं इसके अंदर। इससे रिलेटेड कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इसको एक बार पब्लिश करिए फिर इसके वेरिएशन बनाते हैं। हम एट्रीब्यूट द्वारा से डिफाइन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। White titanium. Use for variation. इसको ऐसे ऑन रखिएगा। एक बार बनाइए। Storage. देखिएगा 128 GB, 256 GB, 512 GB and 1 TB. ठीक है, अब अगर हम लोग वेरिएशन में आएंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा जनरेट वेरिएशंस।
यहाँ से सारे वेरिएशन हम लोग जनरेट कर लेंगे इसके अंदर बल्क में। ये देखिए आपके सारे वेरिएशन आ गए इसके अंदर कि ब्लैक का 128, ब्लैक का 256, ब्लैक का 512, ब्लैक का 1TB। सो क्या करें यहाँ पर, यहाँ पर बल्क एक्शन डिलीट ऑल वेरिएशन स्टेटस शिपिंग लेंथ डाउनलोड लिमिट, ये हम लोग कुछ बल्क एक्शन यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप ऑप्शन देखेंगे लिखा रहा है ऐड प्राइस। 16 प्रोडक्ट डू नॉट हैव प्राइसेस वेरिएशन एंड देयर एट्रीब्यूट्स दे डू नॉट हैव प्राइस विल नॉट बी शोन इन योर स्टोर। सो क्लिक ऑन ऐड प्राइस, तो ऐड प्राइस टू ऑल वेरिएशन दैट डू नॉट हैव अ प्राइस, तो यहाँ से आप डाल सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमें प्राइस का ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जाके हम क्या करें, इसके अंदर सुन ये बोतल लेना है, इधर से नीचे गिर गई है बेबी, और दोनों पानी भर के ला दे। पर भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे वो मोबाइल है आईफोन 15 प्रो डिफाइन कर सकते हैं, फिर हमें यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई फोटोग्राफ है इसके आपके पास, तो ब्लैक टाइटेनियम के हमने फोटोग्राफ यहाँ डाउनलोड की है, जस्ट इसको आप सेट एज वेरिएशन इमेज कर दोगे और इसका जो प्राइस है वो यहाँ मेंशन करेंगे। रेगुलर प्राइसेस का 1,34,900 और अभी के लिए चल रहा है 127,990 स्टॉक में है। तो यहाँ पर आप देखें कॉमन चीज़ देखो सब अपना आ जाती है, जो आप वहाँ लिखते हो इसका पर्टिकुलर का अगर डिस्क्रिप्शन है तो आप यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये देखो वेट वाली क्लास है, देखो सब में ऑटोमेटिकली डल गई है, तो जो कॉमन चीज़ है वो बाहर लिख दो, सबके अंदर अपना आप आ जाती है इस तरह से। सो जैसे यहाँ पर हम ऐड प्राइस की बात करें, तो ऐड प्राइस पर जाके जैसे मैं मान लो यहाँ लिख देता हूँ कि 1,27,990। ठीक है, तो क्या होगा, सबके अंदर देखो आपका प्राइस ऑटोमेटिकली ऐड हो गया इस तरह से। हेलो, हाँ जी, तो जो भी आपने प्राइस डालना है वो आप यहाँ से जाके डाल सकते हैं। 134,900 ये हमारा प्राइस ऐड हो जाए, तो यहाँ पर इन सभी के अंदर देखो ये वाला प्राइस चला जाना चाहिए, ये हमारा रेगुलर प्राइस है कि हमारा सेल्स प्राइस आ जाएगा इधर। तो हर एक वेरिएशन का हमारा ना प्राइस अलग अलग है, तो वेरिएशन में अगर आपने दोबारा से लगता है कि मेरे को रीजनरेट करने की ज़रूरत है या फिर मेरे को यहाँ से क्या कहते हैं सबकी एक साथ शिपिंग वो सेट करनी है या फिर यहाँ से आपको एक साथ कुछ और भी चेंजेस करने, सेट रेगुलर प्राइस, सेट सेल्स प्राइस, तो ये सारी चीज़ें हम लोग
वन को मैं डाल सकते हैं, जैसे हम लोग रीजनरेट वेरिएशन पर क्लिक करते हैं या यहाँ से डिलीट ऑल वेरिएशन और अगेन हम लोग चूज करेंगे जनरेट वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि नो डिफॉल्ट कलर, ठीक है, तो डिफॉल्ट आपका क्या रहेगा, डिफॉल्ट फॉर्म वैल्यू ब्लैक टाइटेनियम, ब्लू टाइटेनियम, नेचुरल टाइटेनियम या फिर वाइट टाइटेनियम, या डिफॉल्ट स्टोरेज आपका क्या रहेगा, तो जैसे ब्लैक टाइटेनियम और 128 GB मेरा डिफॉल्ट रहेगा इसके अंदर। बल्क एक्शन क्या लेना चाह रहे हैं भाई, हम लोग सेट रेगुलर प्राइस और सेट सेल्स प्राइस, तो इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं सेल्स प्राइस रेगुलर प्राइस। तो बल्क एक्शन लेते हैं सेट रेगुलर प्राइसेस, तो रेगुलर प्राइस जैसे कि हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं अपना 134,900, पर 134,900 देखो सभी के अंदर जा चुका है अपना। इसी तरह से हमें यहाँ पर एक और बल्क एक्शन लेना है सेट सेल्स प्राइस, तो 127,990 हमने कॉल कर दिया इस तरह से। तो चलो जरा चेक करते हैं हर एक के अंदर अपना ये वाला सिस्टम सेट हो गया अपना इस तरह से, फिर बात करते हैं फोटोग्राफ की। ये हमारी वेरिएशन इमेज हो गई, इसी तरह से इसकी वेरिएशन इमेज, इसी तरह से इसकी वेरिएशन इमेज और इसकी भी वेरिएशन इमेज यहाँ से सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट अपना सेट हो गया। अब जहाँ जहाँ पर भी आपका 128 वाला है उसका काम आपका पूरा हो गया, अब 256 वाले का हम लोग टारगेट करते हैं। 256 GB का जो हमारा प्राइस है वो है 144,900 और 137,990। ठीक है, इसी तरह से 512 GB 158,990, तो ये पहले आपको यहाँ की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी 164,900 158,990 1 TB 184,900 और यहाँ पर 177,980। इस तरह से ये वाले आपके सारे प्राइस जो है फर्स्ट कैटेगरी के सेट हो गए। फिर आता है आपका ब्लू टाइटेनियम, ब्लू की इमेज हमने अलग रखी हुई है, यहाँ से जाएंगे अपलोड सेलेक्ट पेस्ट ओपन, ये अपनी ब्लू की इमेज आ गए सेट वेरिएशन इमेज इस तरह से अवेलेबल हो जाएगा। तो ब्लू का ये वाला पार्ट अपना इसमें कोई चेंज नहीं करना, सब कुछ सेम रहेगा। ब्लू टाइटेनियम 256 GB 512 GB
और उसके बाद वाइट। एक प्रोडक्ट जो है अपना नेक्स्ट पेज पर है, तो फिलहाल मैंने प्राइस चेंज नहीं किया है, बट मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि जब लोग उसका आउटपुट चेक करेंगे फाइनल, यहाँ से अपडेट पर जाइएगा, तो यहां पर आपका ये देखिए एप्पल आईफोन 15 प्रो अवेलेबल है। क्लिक करेंगे यहां पर, जो आप यहां देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज सारी आपको मिल जाएंगी, और ये इसका लार्ज इमेज। नीचे आएंगे तो यहां पर आपको मिलेंगे जैसे कि ब्लैक टाइटेनियम, ब्लू टाइटेनियम, नेचुरल टाइटेनियम या फिर वाइट टाइटेनियम, तो जो भी आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ सबका चेंज होता रहेगा। प्लस जैसे हम लोगों ने सिर्फ ब्लैक के अंदर प्राइस प्रॉपर सेट किए हुए, तो जैसे 256 GB चूज करेंगे प्राइस चेंज हो जाएगा, 512 चूज करेंगे प्राइस चेंज हो जाएगा, 1 TB चूज करेंगे प्राइस चेंज होगा इसके अंदर। तो हमने ब्लू के अंदर सभी का प्राइस एक ही रखा हुआ है, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो ब्लू वाला और आपका नेचुरल और वाइट वाले के जो चीज़ होंगी वो चेंज होगा आपको दिखाई देगी। ये पार्ट हमारा इधर अवेलेबल है, और ये आईफोन की वेबसाइट में लिस्ट के फॉर्म में आता है, तो इसको लिस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो नीचे जाएंगे आप, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से इन पॉइंट्स को पकड़ के आप ऐसे लिस्ट बना देंगे। से लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहां देखेंगे ULLI अपना ऐड हो चुका है इसके अंदर। यहां से फिर से आपने कंट्रोल एस कर लेना है, अपडेट, रीलोड करेंगे यहां पर, इस तरह से पॉइंटर बन जाएंगे, और आपके प्राइस वगैरह ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर रहेगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके साइज डायमेंशंस क्या वेरिएंट्स वगैरह वो सब आपको यहाँ दिखाई देगा, कोई रिव्यू वगैरह अगर आपको मिलेगा तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर देखो 178 kg समथिंग फिर से लिखा आ रहा है, तो ये मैंने आपको WooCommerce के अंदर सेटिंग्स में जाके यहाँ से चेंज करना सिखाया था कि आप यहाँ से प्रोडक्ट में क्लिक करके नीचे आके यहाँ पर केजी को ग्राम और सेंटीमीटर को एमएम में चेंज करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस का वो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे आप जो भी इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन एड ऑन करना चाह रहे हैं अपना वो करवा सकते हो। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, वापस से प्रोडक्ट में आएंगे, अब आप यहाँ देख सकते हो कि रिलेटेड प्रोडक्ट में हमें आईफोन 15 सजेस्ट हो रहा है, अगर हम लोग आईफोन 15 प्रो देख रहे हैं। तो इसी तरह से आपको अगर आपने आईफोन का मैक्स डाल दिया तो उसका यहाँ पर आ जाएगा,
प्लस का यहाँ पर आ जाएगा, ये हम लोग प्रो का देख रहे हैं अभी। तो इस तरह से डिवाइसेस के हमारे सजेशन वगैरह वर्क करते हैं उसमें। तो वापस इसको एडिट पर आएंगे, लेके इन्वेंट्री एस के यूज का ये बन गया। यहाँ से हमने एक कॉमन वेट वगैरह अपना सेट कर ताकि हमें समय ना डालना पड़े। लिंक प्रोडक्ट में आप यहाँ से जैसे कौन कौन से प्रोडक्ट को उसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ लिख देंगे। आईफोन वगैरह क्रॉस सेल्स हम लोग चेकआउट करते तब आता है लिखा हुआ। एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आ गया किस तरह से एट्रीब्यूट्स डिफाइंड होते हैं, और यही एट्रीब्यूट्स आगे जाके फिर आपके वेरिएशन बन जाते हैं इस तरह से। ठीक है, वेरिएशन के अंदर फिर हमारे पास सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं। आप हर एक का स्टॉक मैनेज करना चाहते हो तो आप स्टॉक मैनेज कर सकते हो कि भाई क्या किया जा सकता है इसके अंदर। इसके अलावा मुझे जैसे यहाँ पर गैलरी की कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करनी है तो आप यहाँ जाके ऐड प्रोडक्ट इमेज गैलरी, मैं फिलहाल और इमेज डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्हीं चार इमेज को यहाँ से चूज़ करूँगा ऐड टू गैलरी के अंदर। और आप देख लीजिएगा इसको करेंगे अपडेट, यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश। तो इस तरह से आपको अलग अलग ग्राफिक्स दिखाई देंगे, इसके अंदर बड़ा करके देख रहा हूँ ग्राफिक को, इस तरह से बड़ा करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए डाला है। ठीक है, आप जो भी सिलेक्टेड वेरिएंट होगा उसकी आप गैलरी की इमेज अपनी डालिएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ वेरिएशन कैसे बनेगा। वेरिएशन के लिए वेरिएबल प्रोडक्ट चूज करना रहेगा, देन एट्रीब्यूट्स, देन वेरिएशन में जाके जनरेट वेरिएशंस, और डिफॉल्ट किससे आपका स्टार्ट हो तो वो अपना यहाँ से जाके आप चूज कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हमें काम करने की जरूरत है इसके अंदर। सो अब ये देखिए कि रेगुलर क्लास होने से हमारा बेनिफिट क्या हुआ, यानी कि अगर हम लोग अपनी डेट देखते हैं आज है 13, यानी कि जो हमने काम यहाँ पर 13 दिन के अंदर कर लिया, दो संडे अगर निकाल लें तो 11 दिन के अंदर कर लिया, ये काम पूरा महीने के अंदर जाके होता है ना। और रेगुलर कंसिस्टेंट हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारी एक प्रोग्रेस बनी है और कंटिन्यूटी है, चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी आपको अच्छे से, तो गैप नहीं हो रहा, चीज़ें टाइम से हो जाएंगी। तो हमारा वर्डप्रेस हम लोग एंड पर आ गए हैं, अब हम लोग इसके अंदर ई कॉमर्स स्टार्ट क्या कहते हैं SEO और आपका क्या कहते हैं गूगल एड्स और एनालिटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो मान के चलिए जल्दी से आपका ये वाली सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं, और उसके बाद आपका लास्ट क्या रहता है रिएक्ट वाला पार्ट ना, रिएक्ट। हाँ, तो मतलब अपना मतलब आप मान के चलो कि ये चल रहा है अपना जून जुलाई, मिड अगस्त तक मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, वैसे पहले भी होने की उम्मीद है, हमारी चीज़ें बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो जाएंगी इसके अंदर। तो आप लोग बढ़िया बढ़िया वेबसाइट इसके अंदर ट्राई करिए, मैंने आपको WooCommerce भी इसके अंदर बता दिया कैसे काम करती हैं चीज़ें। जब काम करेंगे थोड़े बहुत आपके डाउट्स होंगे तो वो डिस्कस कीजिएगा किस तरह से वो चीज़ें हमें हैंडल करनी है, तो आप चीज़ें कर पाएंगे बढ़िया से इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको ट्राई करिएगा। थैंक यू।